अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद एक इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और जो घंटी का बटन है उससे ज़रूर प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दुबई हुकाम ने 24 घंटे का जो कर्फ्यू जिसे लॉकडाउन कहते हैं उसमें मजीद एक हफ्ते की तोसी कर दी है। गुज़िश्ता रोज ही मैंने अपनी एक वीडियो में इस बात का इम्कान जाहिर किया था, इस खदशे का इम्कान जाहिर किया था कि इस कर्फ्यू या लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक तोसी की जा सकती है, इसमें इजाफा किया जा सकता है। और आज यही हुआ कि दुबई की अथॉरिटीज ने ट्विटर पर एक पैगाम नशर किया जिसमें यह बताया गया कि 4 अप्रैल से जो लॉकडाउन जारी है जो 2 हफ्ते के लिए था, अब उसकी मुद्दत में तोसी इसलिए की जा रही है कि जो लॉकडाउन है उसके मतलूबा नताइज या फवायद मिल रहे हैं। इस बात का तो इम्कान था ही, लेकिन अब चूंकि इस लॉकडाउन को आइंदा हफ्ते यानी 25 तारीख तक इसमें तोसी कर दी गई है, तो अब देखते हैं कि 25 तारीख को तो जाहिर है यूएई और दुबई में शायद 2 रमजान होगा और रमजान के महीने में क्या इस लॉकडाउन में मजीद तोसी की जाएगी या दिन के वक्त इसमें नरमी की जाएगी। वैसे भी रमजान के महीने में आप सब जानते हैं कि दुबई या यूएई में दिन के वक्त इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ज्यादातर लोग अपने दफ्तर या घरों में मौजूद होते हैं और अक्सर इफ्तार के वक्त या शाम के वक्त घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन उस पर तो अब पाबंदी है। अब यह भी मालूम नहीं कि रमजान से पहले शॉपिंग के लिए क्या औकात मुकर्रर किए जाएंगे। जो इससे पहले एक ऐलानिया जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि रमजान की खरीदारी के लिए जिन दुकानों पे आपको जाने की जरूरत है वो सुबह 8 से शाम या रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन इसके लिए भी परमिट की शर्त जो है वो लाजमी करार दी गई है। और परमिट के हवाले से जो कवानीन है वो आप सबके इल्म में है, मैंने अपनी गुज़श्ता 2 वीडियोस में ये बयान किया कि अब परमिट के कवानीन में भी तब्दील कर दी गई है। यानी अगर आप को परमिट दरकार है खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए या अद्वियात खरीदने के लिए तो आपको 3 दिन के बाद मिलेगा। यानी आपने 1 दिन पहले परमिट लिया है तो फिर 3 दिन तक आप उसके हकदार नहीं होंगे, 3 दिन के बाद ले सकते हैं। और अगर आपने बैंक या ATM जाना है तो उसके लिए 5 दिन के बाद आपको परमिट मिलेगा। अगर 1 दिन आपने परमिट हासिल किया तो फिर 5 दिन के बाद ही मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें औकात भी तय कर दिए गए हैं कि अगर आप खाने पीने की चीजें लेने के लिए जा रहे हैं अपने करीबी स्टोर पर तो उसके लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, और अगर आप ATM वगैरह में पैसे निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो 1.5 घंटे से 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और वो भी आपको हिदायत की गई है कि अपने घर के करीबी स्टोर पर खरीदारी करें और अपने घर के करीब तरीन ATM से पैसे निकलवाएं या जो भी बैंक ट्रांजेक्शन करवानी है वहां से करवाएं। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि शारजा में 24 घंटे का कर्फ्यू नहीं है या लॉकडाउन नहीं है लेकिन दुबई में 24 घंटे का कर्फ्यू या लॉकडाउन है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि शारजा में ज्यादातर जो है वो या तो पाकिस्तानी इंडियन हैं या फिर अरबी हैं, जबकि दुबई एक ऐसा शहर है, एक ऐसी इमारत है जहां पर बहुत ज्यादा गैर मुल्की मुकीम है। यानी दुनिया के तकरीबन 190 के करीब ममालिक के अफराद सिर्फ दुबई के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर हैं, जिसमें इंटरनेशनल सिटी है, जिसमें अल रास है, अल कूज है, बाकी दीगर इलाके हैं। तो इस वजह से शायद दुबई पर खास तवज्जो दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तेजी से दुबई में मरीज सेहतयाब हो रहे हैं और जिस तेजी से वहां पर टेस्ट किए जा रहे हैं तो इम्कान यही है कि आइंदा 15 रोज तक जो है वो कर्फ्यू या लॉकडाउन उठा लिया जाएगा। लेकिन मेरे खदशात अपनी जगह मौजूद हैं क्योंकि नमाज तरावी की इस वक्त इजाजत नहीं, वाजमात मसाजिद में नमाज की इजाजत नहीं, तमाम 800 से ज्यादा मसाजिद को डिसइनफेक्ट भी किया गया है, वो बंद भी हैं, लेकिन
ऐसे महसूस होता है कि शायद ईद तक ये लॉकडाउन मुख्तलिफ मराइल से गुजरता हुआ जारी रहेगा। इससे मेरी मुराद ये है कि अगर 24 घंटे का लॉकडाउन है तो इसको हो सकता है कि 12 घंटे का कर दिया जाए, दिन को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए या रात को लॉकडाउन मुकम्मल किया जाए। इसका तय्यन तो दुबई की अथॉरिटीज ही करेंगी, लेकिन फिलहाल जो खबर वो यही है और मुसद्दका खबर है कि एक हफ्ते तक यानी कल से मजीद एक हफ्ते तक दुबई में 24 घंटे के कर्फ्यू या लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।